नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में कोविड-19 टीके की अतिरिक्त 75% खुराकें संयुक्त राष्ट्र के सहयोग वाली कोवैक्स और पहल की आवंटित करने की घोषणा की है। इसके तहत अतिरिक्त 2.5 करोड़ खुराकों को में पहली किस्त के तौर पर करीब 1.9 करोड़ खुराकें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अफ्रीका के लिए आवंटित की जाएंगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के 3 अन्य नेताओं से इस संबंध में बातचीत भी की है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर से आम आदमी को बड़ा झटका मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम 2 दिन के ठहराव के बाद एक बार फिर बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। देश में 4 बड़े नगरों में पेट्रोल 27 पैसे तक और डीजल 30 पैसे तक महंगा हुआ। इससे मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। नागरिक अस्पताल में विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी में बैठे निजी सचिव पर जानलेवा हमला करने के मामले में शहर व सदर पुलिस की टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह सदर पुलिस की टीम ने किसान नेताओं के घर अमानी व हैदरवाला में छापेमारी शुरू कर दी। सदर पुलिस की टीम शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के संयोजक रमनदीप रम्मी के घर पर गाँव हैदरवाला में छापेमारी करने पहुंची। महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा, जिसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे आज गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि पहले चरण में 5% से कम संक्रमण दर वाले सभी जिलों को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जाएगा। यानी आदेश के बाद से इन जिलों में सैलून से लेकर सभी दुकानें थिएटर मॉल खोल दिए जाएंगे। कर्नाटक में 7 जून को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को 500 करोड़ रुपए के दूसरे राहत पैकेज की घोषणा की है। राहत उन वर्गों के लिए है जो पिछले 1,250 करोड़ रुपए के पैकेज से छूट गए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर बड़े बदलाव के आसार हैं। खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुछ विधायक तृणमूल कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं। इन विधायकों की संख्या 33 बताई जा रही है और हालांकि बीजेपी ने इन खबरों का खंडन किया है। पूर्व टीएमसी नेता सलाह मुर्मू, सोनाली गुहा और दीपेंद्र विश्वास पहले ही खुलकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। एसबीआई को कर्ज की वसूली के लिए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचने का अधिकार मिल गया है। यानी कि बैंक अब कभी भी विजय माल्या की जब्त संपत्तियों को बेचकर कर्ज में फंसी अपनी रकम निकाल सकते हैं। हालांकि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उधार से ज्यादा मेरी संपत्ति जब्त कर ली गई है। माल्या पर कथित तौर पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गाजियाबाद जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से अब सरकारी अस्पताल सीएससी और पीएससी में ओपीडी शुरू हो गई है। यहां पर सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी। सर्जरी के साथ साथ अन्य जरूरी कार्य भी चलते रहेंगे। मरीजों के उपचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। फिलहाल संयुक्त अस्पताल ओपीडी अभी बंद रहेगी, क्योंकि यहां डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। जिले में सामान्य मरीजों की परेशानी को देखते हुए ओपीडी शुरू की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक देकर देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों में पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे मानसून की शुरुआत होने जा रही है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।